जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। और ये कथा इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन पर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह का सिंहासन सबने सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित हो राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया। श्री राम की 7.5 साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 साथी आए। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना और अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट बन की ओर भागा। भीषण वन में पहुँच कर वह अंतर ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन की सेठ के दुकान में बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हांकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर दिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसने वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही। उसे बहुतेरे समझाने पर भी वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया था कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इनमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वह सब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कवरी
को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां उज्जैन वासियों ने उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार शनिवार की व्रत कथा समाप्त हुई।